बैक टू माई चैनल। आज चाय पीने के बाद गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। गला खराब है, खांसी है, ये दो दिन बाद बाद मैं इतना बीमार क्यों पड़ती हूँ मुझे ही नहीं पता। तो अभी नील जैसे ऑफिस जाएंगे, उसका टिफिन बनाना हो गया, भिंडी की सब्जी और रोटी नील लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ही मैं बनाई थी तो नील को टिफिन में पैक कर दी हूँ, और पेखम भिंडी की सब्जी नहीं लेके जाएगी। अब उसके लिए थोड़ा सा और कुछ आलू की सब्जी ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, तो सब मैं बनाऊँगी। पर अभी पेखम अभी सो रही है। दो तीन दिन से मैं उस दिन एक तीन दिन पहले जिस दिन ब्लॉग बनाई थी लास्ट, उस दिन मैं आइसक्रीम खा ली। अब आइसक्रीम के बाद ऐसा इफेक्ट हो गया है, मैं क्या करूँ। अभी नील का भी टाइम हो गया निकलने का। बाय 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 बाय। लंच की तैयारी हो गई है तो सोचा मैंने कि आप लोगों से शेयर कर लूं। और यहाँ पे बन रहा है पेखम के लिए आलू की सब्जी, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये थोड़ा सा आलू की एक सब्जी पेखम के लिए बन रहा है, और यहाँ पे आलू बॉयल हो गया है, इसका झोल बनाऊंगी। फिश बनेगा आज, फिश का झोल, तो उसी में ये वेजिटेबल्स डाल के गोभी, गाजर, बैंगन, आलू ये सब डाल के एक फिश का झोल बनाऊंगी, वेजिटेबल्स झोल जो बोलते हैं। और ये करेला फ्राई करूंगी। एक्चुअली मैं दो तीन दिन से इतना गार्गल की हूँ दिन में, तो उसके कारण ना मुझे कुछ मतलब अच्छा कोई मसालेदार सब्जी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। जो नॉर्मल वाला है, नेचुरल टाइप का स्वाद है, वही अच्छा लग रहा है। कल जैसे मैं चाउमीन बनाई थी शाम को, कि थोड़ा सा अच्छा लगे, कोई सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है। कल पत्ता गोभी की सब्जी भी बनी थी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कल चाउमीन बनाई लेकिन सिर्फ काली मिर्च डाल के, तो ये काली मिर्च बोलते हैं ना गले के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा बात करूँ ना तो ये खांसी आ रहा है। आज तो बहुत कम है इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। ये दो तीन दिन से मतलब थोड़ा सा भी बोलूँ ना तो खांसी आ रहा था। तो क्या बता रही थी, हाँ चाउमीन। तो चाउमीन में काली मिर्च डाल के, ब्लैक पेपर वो पाउडर डाल के मैं बनाई थी, तो वो अच्छा लगा। उसमें गाजर कैप्सिकम डाली थी और कुछ नहीं, सॉस वगैरह कुछ नहीं डाली थी। वाइट कलर का एकदम सिंपल सा चाउमीन बनाई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और रात में जैसे कोई मसालेदार सब्जी खा रही हो तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं आज सिंपल जैसा एक पतला झोल बनाऊंगी। इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदरक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के बनाऊंगी। बस यही है आज मेनू में। और क्या है, ये सात दिन से मतलब बोलते हैं ना कि जब कोई भी गड़बड़ हो और ये बाई लोगों की छुट्टी पड़ जाती है, सात दिन से तो कविता दीदी ऊपर से नहीं आ रही है। और घर में पोछा लगाना, मतलब पेखम उछल कूद तो करती रहती है, खेलती रहती है, तो घर गंदा होता ही है मेरा, और ये गंदा घर मेरे से देखा नहीं जाता। तो इसके कारण पोछा लगाना तो डेली चलता ही है। मॉप से लगाती हूँ, फिर भी तो पानी के साथ तो कनेक्शन रहता ही है ना। फिर बर्तन धोना ये सब है ही, कल से आएगी। आज मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि कल आ रही है ना, तो फिर मैं सब बर्तन रख दूंगी, और नहीं तो फिर आज भी धुलना पड़ेगा। देखती हूँ अब कविता दीदी को फ़ोन करके क्या होता है, और तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। और पेखम तो स्कूल जाएगी, उसके लिए भी जल्दी जल्दी बनाना है, तो चलिए बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे पेखम का ब्रेकफास्ट चल रहा है। क्या खा रही हो ब्रेकफास्ट में, बताओ सबको। दूध रोटी। दूध रोटी पेखम का फेवरेट है ना। और आज स्कूल जाना है कि नहीं, किस लिए जाना है? क्योंकि मुझे मैम से रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे वो लाजिम डांस में नहीं जाना। तो किस में जाना है? क्वायर गाना में जाना है। सोचो अभी इन लोगों का भी चॉइस है, उसको कहीं क्या, दो दिन पहले मार्च फर्स्ट में डाल दिया था ना। हाँ वो भी नहीं करना है, ये क्या लाजिम डांस ना क्या बोल रही है, इसमें भी नहीं जाना है उसको। अभी क्वायर का भूत चरा है, मतलब गाना गाओगी? हाँ। अच्छा गाना, फिर देखो किस में डालते हैं। तो वही उसका सुबह से टेंशन है, अभी उसको समझा रही थी, समझा बुझा के अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। कि आज जाके मैम से रिक्वेस्ट करेगी। अभी पेखम को छोड़ के आई हूँ, आज लेट हो गया था, तो इसीलिए वो तो 12 o'clock जाती है, तो अभी 12:30 बज रहा है।
मैं दूसरे गेट से उसको छोड़ती हूँ, तो आज इधर वाले गेट से छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बस घूम फिर के फिर आधा घंटे बाद इधर से ही जाती है, आधा घंटा नहीं जैसे 20 to 25 minutes बाद, लगभग आधा घंटा, तो इधर से जाती है। तो मैं बोली पेखम को, ठीक है आज लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, आज इधर से छोड़ दूंगी। तो वही उधर मैं गई थी, पेखम का मतलब फ्रेंड भी बोल सकते हैं, पेखम से छोटी है तो उसके साथ खेल रही थी, वहाँ पे छोटा सा एक भाई मिल गया उसको, उसके साथ भी खेलने लगी थी। फिर बस आ गया, बस हो गया। और मैं अपना, आज थर्सडे है तो लक्ष्मी पूजा है, तो इसीलिए मैं फूल लेके आई हूँ, और अभी ये हनीटस यही वाला ले रही हूँ मैं खांसी के लिए। खांसी का नाम आता है ना, तो खांसी ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाता है। आज ये हनीटस लेकिन ठीक है, मतलब दो ये कारा टाइप का वो हनीटस लाई थी ना, हनीटस के साथ ही मिल रहा है ऐसा एक रेडीमेड कारा पाउडर पाउच टाइप का फ्री मिला, तो अभी इस टाइम वही ट्राई कर रही हूँ। खांसी थोड़ा ठीक है, लेकिन जब सोती हूँ ना तब भी खांसी आ रहा है ज़्यादा। नील बोल रहे थे एंटीबायोटिक खा लो, तो क्या होता है एंटीबायोटिक खाने से ना, ऐसे तो मैं मेरा मतलब स्वाद टेस्टलेस हो गया है, वो एंटीबायोटिक खाने से फिर और 10 दिन मेरा खाना सब बंद हो जाएगा। होता है देखिएगा, मतलब आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ होता है। एंटीबायोटिक जब भी खाती हूँ ना, फिर 10 दिन ना कुछ खाने का मतलब कोई टेस्ट नहीं लगता, ऐसा होता है। तो इसके इसी डर से मैं एंटीबायोटिक नहीं खाई, तो धीरे 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 होगा मेरा, और क्या। अच्छा है, अदरक टाइप का ये, मतलब चाय में भी डाल के पियो ना, ये तो अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है। मैं सोची थी कैसा लगेगा, पता नहीं। मैं काढ़ा बनाती हूँ, तेज पत्ता लौंग वैसे गरम मसाला डाल के जैसे होता है, तो ये वाला तो अच्छा लग रहा है पीने में। अब शाम हो चुका है, पेखम के आने की तैयारी चल रही है। पेखम आते ही, आज थर्सडे है तो पेखम का जिमनास्टिक क्लास है, क्लास डांस क्लास है। मैं ये ट्यूसडे और थर्सडे दोनों को ही, मतलब ये दोनों क्लास एक ही दिन में डालती हूँ, क्योंकि पहले पेखम का जैसे वेडनेसडे को और सैटरडे को था जिमनास्टिक क्लास, और ट्यूसडे और थर्सडे था डांस क्लास। तो मैंने बोला कि नहीं, एक दिन में ही कर लो, क्योंकि डेली डेली ये निकलना होता है ना, तो फिर पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर में कौन, ऊपर में एक बच्चा है, वो हर दम इधर उधर, ये ना मतलब कोई टीवी लेके हो या फिर कुछ लेके हो, घिसता रहता है तो आवाज़ आता है। तो एक हमका क्लास इसलिए मैंने एक ही दिन में दो क्लास डाल दिया, कि बाकी दिन पढ़ाई का टाइम मिलेगा, शाम के टाइम थोड़ा सा पेखम को पढ़ाने के लिए मैं बैठ रहती हूँ उसको, तो ठीक है पेखम भी मैनेज कर लेती है। तो उसके पापा बोल रहे थे कि एक दिन में तुम दो दो क्लास डाल दिए हो, हाँ तो उसको पैर में दर्द नहीं होगा। अरे घर में भी रहती है ना, तो ये जिमनास्टिक का क्लास इसका ऑलरेडी चालू होता है, तो घर में भी जिमनास्टिक करेगी तो उससे अच्छा है कि एक घंटा सर के पास जाके करके आएगी। ये अच्छा है कि नहीं बताइए। तो मैंने इसलिए बोला कि वो घर में भी जिमनास्टिक ही करती है, उसके बाद फिर डांस क्लास जाती है, तब अगर उसका पैर दर्द नहीं हो रहा है तो दोनों क्लास एक साथ एक दिन में कर लेगी, उसका कोई दर्द वर्द नहीं होगा, तो कर लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सामने में है ना, तो तुरंत देख के आती हूँ। वो वेडनेसडे और सैटरडे को था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मुझे कार लेके जाना पड़ता था। अब वेडनेसडे के दिन अगर नील कार लेके निकल गए तो मैं क्या, किस में जाओ, फिर ऑटो करके जाओ, बस से जाओ, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। मेरा स्कूटी में बेच के आई ना, बहुत गलती कर दी मैंने अभी लगता है, लेकिन इस एरिया में ना मुझे स्कूटी चाहिए ही नहीं है कुछ मार्केट के लिए, मुझे तो नीचे ही सब मिल जाता है, मतलब 50 मीटर से मैक्सिमम 100 मीटर के अंदर ये सब मिल जाता है मुझे, मैक्सिमम तो 50 मीटर के अंदर ही मुझे मिल जाता है। ये बिल्डिंग के नीचे ही इतना सारा मतलब शॉप है, पेखम का आर्ट एंड क्राफ्ट का, पनीर का, दूध का, सब्जी का, ग्रोसरी का, क्या चाहिए बोलिए, सब ये नीचे ही है, ये बिल्डिंग के नीचे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा दूर जाना आना नहीं पड़ता है, तो स्कूटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेखम के क्लास के लिए। लेकिन पुराना स्कूटी मेरा रहता तो वो काम का आ जाता। तो ठीक है चलिए, ये पी लेती हूँ, अभी पेखम का आने का टाइम हो रहा है, फिर पेखम को लेके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। पेखम को लेके अभी जिमनास्टिक क्लास भाग रही हूँ। आई तुरंत मैं पूजा की और बॉटल भर के अभी जा रही हूँ।
और हाँ क्या है आज? मैं ना आज मॉनिटर बन गई 1 महीना के लिए। अरे वाह, 1 मंथ के लिए मॉनिटर बन गई है। उसका क्लास में जैसे मॉनिटर चेंज होता रहता है, मतलब एक महीना कोई और, किसी को बुरा ना लगे इस महीने किसी को, उस महीने किसी को, ऐसे करके। तो इस बार उसका टर्न आया है तो आज वो मॉनिटर बन गई है तो हाँ, इसलिए बहुत खुश है। तो अल्टीमेट उसको सुबह जो बोल रही थी क्वायर में जाएगी, तो क्वायर उसको नहीं मिला, उसको डांस में जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट वो डांस ही कर रही है स्पोर्ट्स डे में। तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं, तो यहाँ से सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। ये लोकेशन मुझे ना इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब हर चीज़ एकदम सामने सामने है, वही इसीलिए ना घर में जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर पा रही हूँ इसी के कारण। चलो जल्दी चलती हूँ। ये पिकम का जिम्नास्टिक क्लास चल रहा है, मैं वेट कर रही थी उसका कब छुट्टी होगा। वो देखिए प्लांट के पीछे है पिकम, वाइट कलर का टी शर्ट पहन के, और यहाँ पे सैर सिखा रहे हैं। ये देखिए पिकम अभी जंप की। पिकम को लेके घर आ गई, आके बोल रही है कि मैं अम्मा आज बहुत जंप कराए हैं सर ने, मुझे डांस क्लास नहीं जाना। ये देखो आके बोल रही है कि मुझे ना एक एग बॉयल करके दो ना, एक या फिर पोच बना के दो। देखिए आके कैसे कर रही है, अभी डांस कर रही है, यहाँ पे बोल रही है कि नहीं जाऊंगी। नहीं मैं डांस नहीं कर रही, ऐसे करती रहती हूँ। हाँ, ऐसे करती रहती है। देखो तो चलिए अब इसको कुछ खाने के लिए दो। सूजी का हलवा बनाई थी आज प्रसाद में, तो वो खा के गई है, आके बोल रही है कि पेट खाली हो गया है, उछल कूद की है, बच्ची है तो होता ही है ऐसा पेट खाली। तो इसको एक पोच बना के देती हूँ, ठीक है। हाँ। चलो तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट में मेरे से बातें करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।